हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह के 9:30 हो चुके हैं और आज है संडे, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का मैच। और इसका बहुत देखने का मन है, इसने कहा मेरे को देखना है, कुछ भी हो जाए। तो मैं बताता हूँ आपको कल हमारे साथ क्या हुआ। मेरे जीजा जी हैं, वो कोका कोला कंपनी में काम करते हैं, तो उनके पास टिकट आते हैं फ्री में। तो उन्होंने मेरे को बोला था इंडिया इंग्लैंड का मैच है भैया, तो टिकट मेरे से ले जाना और देख लेना, क्योंकि उनको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा ठीक है भैया। एट द एंड मना कर दिया जीजा जी ने, क्योंकि हेड ऑफिस में ही टिकट सारे बट गए, उनके पास पहुंचे ही नहीं। अब उसमें उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन मेरा मन इतना हो चुका था, मैंने कहा अब तो चाहे कुछ हो जाए, ब्लैक में लेंगे जाके। ब्लैक में टिकट ले लूंगा, लेकिन जाऊंगा चलो बिना टिकट के, स्टेडियम के बाहर बैठ के मैच देखूंगा, लेकिन जाऊंगा। तो चलते हैं हम लखनऊ एकाना स्टेडियम में। 9:26 हो रहे हैं, 9:42 की ट्रेन है हमारी। 9:40 की 9:42 में निकल जाएगी वो। हाँ, तो एक ही बात है, तो चलो जल्दी चलते हैं। नहा धो चुके हैं हम, एकदम रेडी। बेटा, हाँ, सुमन गिल के पास जा रहे। हाँ, तुम्हारी रिश्ते की बात करने की, जब तुम्हारी बिटिया हो जाएगी तो हमारे बेटे से शादी करना, ठीक है। पोस्टर लगा खड़ा होगा मैं। कैसे, ऐसे क्या लगाओगे? माय भांजा वाज टू मैरिड शुभमन गिल फ्यूचर डॉटर। यार बाबू हैं, कल तक आ जाऊंगा, 2-3 दिन तक। दो तीन दिन, ठीक है दी, जा रहे हैं। पुच्छा, जय माता दी। पुच्छा दो, पुच्छा। जा रहे पापा जी हैं, जीत के आना, पहले टिकट तो मिल जाए। मिल जाएगी मम्मी। हाँ। जा रहे, भगवान से कहना टिकट मिल जाए हमको ब्लैक में। टिकट मिल जाएगा और जीत के आना। हाँ चलो। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे। भाई 40 पे आ रहे हैं, 40 पे आए हैं, 42 पे ट्रेन है, 2 मिनट पहले आ गई ट्रेन। गाड़ी आ गई भैया, जल्दी चलो। पहुंचा दिया ना टाइम पे, ट्रेन के सामने खड़े हो। इतनी देर से बल बल कर रहे थे, ट्रेन छूट जाएगी। ये रहा C9 C15 है अपना, वो शटल के पास होगा, शटल के पास। तो फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब ठीक है, अब चल तो रहे ना? चल रहे हैं। ये नाव पर फोन तो तारा था, कल रात को दिल टूट गया था हमारा, यार नहीं जा पाएंगे। फिर मैंने कहा चलो अब हम चलते हैं। पूछ रहा हूँ चल रहे हैं। तो फाइनली अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, तो इसका मतलब चल रहे हैं। ब्रेकफास्ट टाइम, मेरा मन नहीं था तो मैंने सिर्फ चाय पी ली। खा बेटा खा। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं लखनऊ स्टेशन पे, अब टिकट का जुगाड़ करो भाई। टिकट नहीं है अपने पास, किसी के पास टिकट हो हमारे पास आ जाए। टिकट नहीं है हमारे पास, मैच देखने आ रहे हैं। तो भाई अब निकलते हैं, देखते हैं कैसे पहुंचेंगे एकाना। तो गाइस, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ओला वाले मांग रहे हैं 1000 रुपए 10 किलोमीटर के। ऑटो वाले जा नहीं रहे। मैंने कहा भाई 500 ले लू, कह रहे हट, 500 रुपए नहीं कमा रहा वो, कह रहे जाम बहुत है, बहुत बुरा हाल है। तो हमने किसी भले मानुष से पूछा, तो उसने बोला मेट्रो से जाओ IT। अब मेरे को तो लखनऊ के बारे में पता नहीं है, पर हमारे पास टिकट भी नहीं है। और टिकट हमारे पास टिकट भी नहीं है, और हमें फर्क भी नहीं पड़ता, हम 2 बजे की जगह 2:30 बजे पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, बारिश करवा देंगे, मैच रुकवा देंगे, चलते हैं जल्दी मेट्रो। तो लखनऊ मेट्रो में आ चुके हैं, पहली बार मैं लखनऊ मेट्रो में सफर कर रहा हूँ। टिकट, अरे नीचे दिखाओ, इधर से आओ, आजा, वेरी गुड। देख लो मेरे राज में तुम, लखनऊ की भी मेट्रो घूम लिए, दिल्ली की भी मेट्रो घूम लिए, रैपिड मेट्रो घूम लिए, मुंबई की नहीं घूमी। तो हमने पकड़ी थी यहाँ से मेट्रो, अब आ चुके हैं ट्रांसपोर्ट नगर। किसी भले मानुस ने बताया था हमें, यहाँ उतर के कैब पकड़ लेना। तो अब कैब पकड़ेंगे और जाएंगे स्टेडियम बिना टिकट के। तो ऑटो में बैठ चुके हैं हम लोग, शेयरिंग करके जा रहे हैं, भाई भी मैच देखने जा रहे हैं, तो मैंने कहा हमारा पैसा बच जाएगा थोड़ा सा, और भाई का नहीं तो स्टेशन से मांग रहे थे 1000 रुपये। मैंने कहा देखो हम 120 रुपये में दोनों पहुंच जाएंगे, 140 में सौ, हाँ 140। तो भैया देखो, गुड़गांव से मैच देखने आए लखनऊ, दिल्ली चले जाते भैया। अरुण जेटली में देख लो, इतना खर्चा कर दिया, और शताब्दी में आए थे, मतलब
मैच की क्या कहूँ यार, इतनी फैन फॉलोइंग है मैच देखने के लिए। तो गाइस मैं लखनऊ में मैच देखने आया था और मैं मैच देख रहा हूँ। तो गाइस भीड़ आनी शुरू हो गई है, अभी हमें एंट्री नहीं मिली है। 2:30 बज गया है, टिकट भी नहीं है मेरे पास। 2:30 बज चुके हैं, सब अंदर चले गए हैं स्टेडियम पूरा। अभी हमें स्टेडियम के अंदर घुसने देंगे कि नहीं घुसने देंगे, टिकट है नहीं अपने पास। भैया टिकट मिल जाएगी पता नहीं, टिकट दिला दो भैया टिकट यार। अंदर देखते अंदर कोई बेचेगा तो। स्टेडियम आ गया, बहुत भीड़ है यहाँ पर। टिकट का जुगाड़ नहीं हुआ यार, दो टिकट दे दो हमको यार। भैया दो टिकट करवा दो, दो टिकट दे दो यार। आधा घंटा हो गया टिकट ढूंढते ढूंढते, टिकट नहीं मिली। कोई टिकट दे दो अपना। हमारा सुमन की लाउट हो गया, हमें टिकट नहीं मिली आज तक यार। कोई टिकट दे दो भैया दो। 2:30 बज चुके हैं, अभी तक टिकट नहीं मिली है हमको। हम बाहर के नज़ारे ले रहे हैं बिना टिकट के। पूरा मैच निकल जाएगा ये कह रहा है। 2.5 घंटे, आधा घंटा हो चुका है, टिकट नहीं मिली है। किसी के पास दो टिकट हो आके दे जाए, गेट नंबर 4 पे काना स्टेडियम। तो गाइस टिकट नहीं मिली है, यहाँ इतनी भीड़ है, महंगे दे रहे हैं। किसी का अगर मैच देखने का मन ना हो तो हमें टिकट दे सकता है। अगर किसी का मैच देखने का मन ना हो तो हमें टिकट दे दे, हम उसके पूरे पैसे वापस देंगे। धन्यवाद। अगर किसी का मैच देखने का मन ना हो तो टिकट हमें दे सकता है, धन्यवाद। कोई तो दे दो टिकट हमको। सुमन गिल आउट हो चुका है, टिकट हमको दे दो। विराट भी आउट हो गया, विराट भी आउट हो गया। या तुम मेरे ऊपर नहीं, मैं देखो तुम्हें लखनऊ लाया हूँ, चाहे कुछ हो। अब टिकट मिल गया तो मैच देख लेंगे, नहीं तो फोन में चल ही रहा है। और ये भाई टिकट नहीं मिली भैया, टिकट नहीं मिली। अरे ये देखो, लेकिन आनंद पूरा ले रहे हैं स्टेडियम के बगल में। तो गाइस फाइनली हमको टिकट मिल गया है, भैया ने दिया है, थैंक यू भैया। ये अपना मैच नहीं देख रहे और फ्री में दिया है। अरे ऐसे दिलदार आदमी आप लखनऊ में ही मिल सकते हैं, थैंक यू भैया। तो टी शर्ट भी पहन ली है हम लोगों ने, अब चलते हैं अंदर ग्राउंड में मैच देखने के लिए। मेरी गिल की है, गिल तो आउट हो गया यार, विराट भी आउट हो गया। अरे यार गलत ले लिया टिकट। एक आना आ रहा हूँ मैं, दो टिकट मिले हैं बड़ी मुश्किल से। चलो अंदर या भाई जल्दी, 3 तो हो गया, कहीं चौथा ना हो जाए, जल्दी आ जा। टिकट बेकार चले जाएंगे, बड़ा महंगा खरीदा। वहाँ पे मैच चल रहा है, आ रहा हूँ खेलते रहना रोहित भाई, आ रहा हूँ। जब सारे फैंस बाहर घूम रहे हैं तो अंदर मैच कौन देख रहा है, वही दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है। खुल गया भाई मेरा। हाँ और भैया ग्राउंड फ्लोर का है, चलते हैं स्टेडियम भी। इसे सीट नंबर कहाँ है, ये कहा नाम है, ग्राउंड फ्लोर पे बोला था मैंने, ऊपर ना पहुंचाते भाई। ओ माय गॉड, अरे भाई कतई। कैमरा मैन वाले भैया ये रे। तो गाइस पहली बार मैं इंडिया इंग्लैंड का, इंग्लैंड इंडिया का मैच देख रहा हूँ, वो भी वर्ल्ड कप, तो बहुत बड़ी बात है। मलान भाई मलान, ये देखिए ईशान किशन की टीम आइडेंटिफाई करेगी और
अरे हमको दिखा दो यार, हमारी बीवी घर पे मैच देख रही है। तो जस्ट अभी अभी खेल राहुल आउट हुए हैं और सूर्य भाई आगे अपने। तो 4:30 बज चुका है और 30 ओवर में 131 बचा रहा। भूख लगाई भैया, खाना खा लेते हैं। बस कर दिया पूरा। अब परेशान था यार, मेरे साथ चलेगा, टिकट नहीं होगी तो भी मिल जाएगी। ड्रीम पूरा, ड्रीम पूरा, मेरा भी ड्रीम पूरा होगा भाई। इंडिया का मैच बहुत बड़ी बात है। रोहित शर्मा आउट हुआ है, रविंद्र जडेजा। चार ओवर रह गए हैं बस। तो गाइस पहली इनिंग में बने हैं 229 रन इंडिया के बस, कोई बात नहीं। लेकिन अभी बुमराह है हमारा, जो भी मैच देखते हैं वो लो स्कोरिंग ही होता है, लेकिन जीतती इंडिया है क्योंकि हम 3 मैच आईपीएल के देखे हैं ना। इसलिए ये राणा भाई खड़े अपने MRF टायर्स। तो गाइस हमने ले लिए हैं पीछे, चलो चलते हैं खाते हैं कोल्ड ड्रिंक और ले लेते हैं, चलते खा पी लेते हैं फिर मैच देखते हैं दोबारा। तो भाई मैच का मजा पिज्जा खाते खाते, आज पिज्जा खाते हैं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और इंडिया को जितवाते हैं। तो सेकंड बैटिंग स्टार्ट हो चुकी है, सारे फील्डर आ चुके हैं। गाइस फाइनली इंडिया मैच जीत गई और हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। ट्रेन हमारी 1 घंटा लेट है। शाही पनीर और रोटी आ जाओ। तो गाइस रात के 11 बज रहे हैं, हमारी ट्रेन 1 घंटा और लेट हो गई है और ये है नज़ारे लखनऊ के। मुस्कुराइए आप, लखनऊ में हैं।